अस्सलाम वालेकुम जी। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन Cu+2। पहले कॉपर के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होनी चाहिए। कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29। अगर हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं तो इट विल बी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। यहाँ तक आपकी बात जो है वो आर्गन तक कम्प्लीट हो जाती है। और उसके बाद कॉपर के केस में एक्सेप्शन होती है कि आपके पास एस में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा और 3d10 जो है वो आपको देखने को मिलता है। अगर मैं इन्हें अलग से लिखूं तो 4s के अंदर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और 3d अगर मैं इसके पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स को ड्रा करता हूं तो पांचों ऑर्बिटल्स में आपके पास दो दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मौजूद हैं क्योंकि आपके पास 3d10 है। ये हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कॉपर की। अब कहा गया +2 मीन ये दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा। जब भी ट्रांजिशन मेटल 3d सीरीज़ के इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं तो पहले 4s में से इलेक्ट्रॉन जाते हैं। आपने दो इलेक्ट्रॉन निकालने तो 4s का एक इलेक्ट्रॉन गया, ये हो गया एम्प्टी। एक इलेक्ट्रॉन मजीद निकालना है तो आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे। तो अब आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है वो आर्गन 18 तक तो यहाँ पर हो जाती है। जो 4s होता है वो आपके पास एम्प्टी होता है और 3d9 होगी। ये जो 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं डी के अंदर, इनमें से 4 पेयर्ड होते हैं और एक जो है वो आपके पास अनपेयर्ड है। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास मौजूद होगा इन Cu+2। और ये सारे के सारे पेयर्ड फॉर्म के अंदर ही मौजूद हैं, इनको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। स्टिल एनी क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।